पुतिन का फरमान, चेचन लड़ाके बने हैवान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर, और ये सेट आप देख रहे हैं ये उस हैवानियत को दर्शा रहा है जो इस वक्त यूक्रेन में चल रही है। नरसंहार का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है, और इस नरसंहार में दुनिया अब लगातार देख रही है कि कैसे सबसे खूंखार लड़ाकों में गिने जाने वाले चेचन लड़ाकों का कहर दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फरमान पर ही तमाम चेचन लड़ाकों ने बूचा के अंदर नरसंहार को अंजाम दिया, एक ऐसा नरसंहार जिसे आईएसआईएस से तुलना की जा रही है। क्या बूचा में महाविनाश की पटकथा इन्हीं तस्वीरों में छिपी थी? क्या बूचा में खूनी तांडव के पीछे है इस शख्स का खूंखार दिमाग? बूचा में आम नागरिकों की बर्बरता की कहानी आज भी दिल दहला देती है। साइकिल से जाते निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या, घरों और बेसमेंट से निकालकर सरेआम निर्दोष नागरिकों को गोली मार देना, बच्चों के सामने मां का रेप कर जान से मार देना, लोगों के हाथ पांव बांधकर कनपट्टी पर गोली का निशाना बनाना, पत्नी से पति को खींचकर मौत की नींद सुला देना। मैंने जूते और पतलून से उसको पहचाना, उसके अंग अंग काट डाले। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया होगा वो कितना खूंखार रहा होगा। अब तक मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है कि रूसी फौज ने हैवानियत की हदें पार कर दी, लेकिन चश्मदीदों के जरिए जो बात सामने आई है उसके मुताबिक बूचा में नरसंहार को अंजाम देने वाले दरिंदे चेचन लड़ाके थे। सुनिए व्लादिमीर का बयान, जिनके दामाद को भी दरिंदों ने नहीं बख्शा। Разнесли сарай, сожгли, все сожгли. Застрелили зятя, зятя застрелили. Представили сюда, пол головы отпало. О, чеченцы, кадыровцы. Русский мир пришел освобождать нас. Освободили от всего. У нас все, ничего нету, все. Ничего нету, все. Суна апни. Владимир का कहना है कि बूचा में मौत का तांडव चेचन लड़ाकों ने भी रचा था। चेचन लड़ाके दुनिया भर में अपने खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। खास बात ये बताई जाती है कि बूचा पर रूसी कब्जे के बाद रूस ने इसे चेचन लड़ाकों की निगरानी में छोड़ दिया था। इसी दौरान चेचन लड़ाके मनमानी करते रहे। सुनिए बूचा के मेयर एनातोली फेडोरुक का बयान। Знаєте, будь-яка війна – це є злочин уже, але є якісь правила ведення війни. А по відношенню до мирного населення російська орда фактично продемонструвала, що вона свідомо нищила. Вони отримали фактично зелену на сафарі від свого Путіна. З'яда день не біти. Пичле хафте кі хі бат хе. Джаб Юкрені Распати Зеленський ке ек проставку харич карте хуе. Русі Распати Путін не Юкрені дуд ко дхамкате хуе каха та. जाओ उनसे कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। तो क्या बूचा की बर्बादी उसकी धमकी का नतीजा है? पुतिन की धमकी के बाद चेचन रिपब्लिक के मुखिया रमजान कादिरोव का ये बयान सामने आया था, जिसमें रूस और चेचन लड़ाकों की जुगलबंदी साफ नजर आ रही है। पुतिन या कादिरोव ने जो जो धमकियां दी, अब उसे इन खौफनाक तस्वीरों से मिलाकर देखिए। बूचा नरसंहार के मास्टरमाइंड का पता साफ नजर आ जाता है। बूचा की बर्बादी को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी सोच रहे होंगे कि क्या नेटो में जाने का उनका ख्वाब इतना बड़ा अपराध था कि चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर रूस ने कत्लेआम कर दिया। मैं चाहता हूं कि रूसी सैनिकों की मां बूचा, इरपिन और होस्टमेल में बिखरी लाशों को देखे। रूसी सैनिकों ने क्या किया है? लोगों को क्यों मारा है? साइकिल चला रहे उस आदमी की क्या गलती थी? क्यों रूसी सैनिकों ने एक शांतिप्रिय आम आदमी को मौत के घाट उतारा? महिलाओं से छीना झपटी क्यों की गई? क्यों बच्चों के सामने माओं का बलात्कार किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया?
मरने के बाद उनकी लाशों का मजाक उड़ाया गया, लोगों की लाशों को टैंक से कुचल दिया गया। बूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा था? कोई ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? रविवार को पूरी दुनिया के सामने बूचा का खौफनाक सच सामने आया था। जब बूचा के मेयर ने दुनिया के मीडिया कर्मियों को बूचा का दौरा कराया तो कदम कदम पर हिला देने वाला मंजर देखने को मिला। बूचा नरसंहार का खुलासा होते ही ह्यूमन राइट वॉच की एक टीम जांच करने बूचा पहुंच चुकी है। सड़क से सबूतों को उठाया जा रहा है, चश्मदीदों का बयान लिया जा रहा है, क्राइम सीन के चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच हो रही है। I think what we've seen here is pretty strong indications that a number of willful killings or murders took place on the basis of the fact that we have a number of people who appear to have been killed with their hands bound behind their backs using plastic zip ties. And obviously that raises concerns about willful killings or murders and done in the course of an armed conflict. जब बर्बरता की बात होगी, युद्ध अपराध का जिक्र आएगा, बूचा की त्रासदी, रूसी फौज और खूंखार चेचन लड़ाकों के बिना अमानवीयता के जिक्र के बगैर अधूरा होगा। बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।